Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy, Azu here. You guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके राजू नाम को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़िम व्लॉग्स, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, वो खाने के ऊपर है। रमजान जैसे दिनों चल रहा है तो पूरी दुनिया में रमजान चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। टाइटल मैं बता देता हूँ, हैदराबादी रमजान की तैयारी 2024। हैदराबाद ब्लॉग देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आज के दौर के बच्चे रोजों में नहीं है, ये बिल्कुल दानेदार है आपको गेहूं के साथ पूरा। तरबूज मल्ला कली पे बोलते हैं, दिन में देर से ही खोलते हैं। हमारी शादी हुई क्या, चला छत पे टहल रहे थे, परसों बोले ना तू तुर्की का टोपी है बराबर, जाए नमाज भी मिलता है बस। बाबा 420 गन मास्टर जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैर से आ क्या भाई, अच्छे से देख लो इसको। तो इस बार मैं सोचा कि रमजान से पहले जो तैयारी होती है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसके अंदर वो करेंगे। और खैरियत भाई, तो माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? आपका नाम मुनीर खान। मुनीर भाई खैरियत से? कितने क्या है आप? जी 50। माशाल्लाह मुनीर भाई, अब ये पूछना है मेरे को, आज के दौर में जी और आपका जो दौर था 25 साल पहले समझो जी, क्या फर्क है? बहुत फर्क है। रमजान का जो था तैयारी वो सब क्या फर्क, आप बोलो क्या क्या फर्क दिख। ये आज के दौर के बच्चे रोजों में नहीं है, रोजा नहीं रह रहे, बोल रहे खाली दिखने को दिख रहे हैं। हाँ। अंदर होटलों में दिख रहे, होटलों में मार आप तो दे दे, फ्री हैंड दे देना। नहीं है तो आप लेक्चर देते हो यहाँ, ये नहीं करना ऐसा ऐसा बोल के तो। और बोलिए आपके जमाने में हमारे हिसाब से क्या है, तराजियों का रहता। हाँ, बिल्कुल तराजियां पढ़ने जा रहे, पीछे पड़ जा रहे। हाँ, तो रोजे में भी एंड टाइम पे आ जा रहे रोजा खोलने के वास्ते, क्या बोल रहे तो रोजा है वो। अच्छा, तो आपके उसमें मेरे को बोला, आपके उसमें क्या खास रहता है? रमजान से पहले रमजान आ रहे बोले तो तैयारियां करते थे। क्या है तैयारियां बोले तो? तराजा पढ़ने के। हाँ। रोजे रखने के। हाँ। वो हिसाब से रहते थे। और कुछ एडवाइस अपनी पब्लिक को आप देना है तो ये रमजान में क्या तैयारी करना, आप बोल के एडवाइस दे दो। आप अपने लोगों को, पूरे बच्चे देख रहे हो भाई, उतना तो नहीं बोल सकता मैं। आपके हिसाब से, आपके ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, नमाज़ पढ़ो, रोजे रखो, तराजा पढ़ो, दिन में खौफे खुदा रखो। अच्छा बोले, लेकिन ये रमजान के हद तक बोलेगा? रमजान के हद तक बोल रहा है, उसके बाद तो नमाज़ पढ़ना। हाँ बिल्कुल, बरस के 12 महीने। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, टाइम आ रहा है तो रात में 11 बजे क्लोज कर देना भाई। आखिरी बिजली है यहाँ, तरबूज तरबूज मल्ला कली पे बोलते हैं कि एक ही भाई के पास आते। भाई सलाम अलैकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम बोलिए। आसिफ खान। अच्छा आसिफ भाई, जो ये तरबूज का कलर है या कलर पहले था बाद में तरबूज का ऐसा हुआ? नहीं आप सही से बोला, हर बार मेरे को हर बार रहता था भाई, दिन रात तरबूज खाने से कलर आया क्या बोलते हैं? माशाल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, अब ये सवाल करो मैं, अब रमजान में कैसा रहता कारोबार? रमजान में रोजदारी ज्यादा इस्तेमाल करता। बिल्कुल, और 4 बजे 3 बजे से ग्राहक चालू रहता। बिल्कुल, अब वन सीजन में क्या है, अनलिमिटेड दुकाने में कंटिन्यू ऐसा नॉन स्टॉप खाते, मगर रमजान में क्या है 3 बजे से 6 बजे तक जो ग्राहक रहता वो पूरे धुपकाले का सीजन भी कवर नहीं कर सकते, उतना ग्राहक रहता। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मतलब तिजारत कारोबार में और बरकत है। अब आपके पास जैसा, अब आप सुबह कारोबार कब शुरू करते हैं डेली टाइम पे? 12 बजे खोलते सुबह में, क्योंकि रात में देर नाइट तक रहते ना, थोड़ा देर तक रहते, 1 बजे से 2 बजे से ऐसा रहते, तो दिन में देर से ही खोलते, 1 बजे 1.5 बजे खोलते भाई। आसिफ भाई अभी अनलोडिंग कर रहे थे फुल तरबूज की, माशाल्लाह से अभी इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मैं। आसिफ भाई कितने साल से आप बनाते हैं? मेरे वालिद साहब की करीब करीब 35 साल से दुकान है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैलकुलेट करो, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेट करो, 1990 हो, क्योंकि जब वालिद साहब 1 रुपए में बेचते थे तरबूज की प्लेट, ये अब 30 रुपए है, 30 रुपीज है। अगली तैयारी सीधा नमाज की टोपियां, जानिमाज, तस्बीह, जो जो पहले का पहले ले सकते हैं, आ जाओ अपना वही पुराना पेट शॉप। सलाम, हर 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 रमजान में एक खजूर खाना और एक खजूर फिरमाना जरूरी है मेरे को हर वीक, हर रमजान की। क्या बोल रहे अपने पब्लिक, क्या बोलना चाह रहे? कुछ भी नहीं, तुम्हारी शादी हुई क्या, चला छत पे टहल रहे थे परसों, बोले ना तुम सुना? बिस्मिल्लाह, कैसी है ना पहले का ऐसा देख रहा हम गुड 100 रुपीज समझे, यहाँ यहाँ आ रहे हैं आप लोग बोले तो 100 रुपीज, ये भी जरा ट्राई कर लेंगे। कोई चांस ब्लैक में मिले सर, ये वाला ये या ब्लैक? नहीं ब्लैक की बात अलग दिख रही है, ये वाला कौन सा, ये अफगानी बोल रहा है ये क्या फिर, ये वो भी अफगानी, ये नया मॉडल है, ये नया देख रहा हूँ मैं, मुड़के कर रहा सर। ये कितना सेट? ये 250 का सर। कपड़े के लिए बोल रहे क्या?
हमारे पास देखिए अफगानी लेटेस्ट है, फिर इंडोनेशिया की टोपी है, तुर्की का टोपी है, बराबर जायनमाज भी मिलता है, जायनमाज भी चाइना जायनमाज स्पेशल है, बिल्कुल ये देख जो मैं हेवी वेलवेट के जायनमाज लिया था कैम्बो और जो हेवी जो है आपके पास है वो मुझे आपके पास है जलिया सो प्लेन में एकदम मोटा जो कपड़ा रहता है वो आपके पास से खरीद ऑर्थोपिया डेड रेट ये वाले इसमें मेरे पास ब्लैक में ब्राउन में और कौन से कलर दिया था तीन चार है जेट ब्लैक जेट ब्राउन ये दिख रहा है कपड़ा मेरे को सऊदी की फीलिंग आती है सऊदी के जो कारपेट्स रहते थे मस्जिद में जो कारपेट्स रहते हैं सेम ऐसे रहते हो ये वाले अब आप रेट जो भी इनको आके बात कर ले सकते हैं आप फोन नंबर बोल दो या एड्रेस बोल दो और ये सऊदी ब्रांड का क्या था सऊदी ब्रांड का हाल सील कंसंट्रेटेड परफेक्ट ओह ये क्या कौन सा है ये असली लेदर है अरे आप कंपनी का लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ना लॉन्ग लास्टिंग रहता सर भाई मैं अतर बहुत सेलेक्टिव रहता हूं लेकिन ये बहुत अच्छा दिखा मेरे को 120 फाइनल ये अच्छा दिखा किताब किताब बोला आपने ये 150 रुपीस 150 रुपीस 150 बॉक्स के अंदर अलग अलग है एक सिंगल पीस 150 जबरदस्त एक बार बोल दो आप एड्रेस बड़ी मस्जिद मल्लापल्ली जी दुकान का नाम तवक्कल बुक डिपो तवक्कल बुक डिपो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन चलिए अल्लाह हाफिज और खैरियत मुजाहिद भाई को मिला मैं यहाँ अपने अजहर हैदराबादी जो शायरी करते रहते हैं उनके सीनियर है आप मुजाहिद भाई इस्लाम अलैकुम खैरियत से क्या आपकी क्या तैयारी है रमजान के लिए खिदमत करना है तो रोजेदारों को देना रोजेदारों को लेना खिदमत करना उनकी कलकारी फिर पैसे भी लेना पड़ेगा पैसे भी लेना पड़ता ये कौन सी खिदमत ये खिदमत आप अपनी कर रहे हो इसकी कर रहे हो शेठ की कर रहे हो तरकारी में कोई डिस्काउंट पैकेज रमजान पैकेज इंसान को चाहता मगर अल्लाह में उसके रहमत से कम कर देगा रोजानों के लिए अल्लाह में अल्लाह सुनने वाला है इंशाल्लाह क्या अल्लाह चाहा तो कम कर देगा अल्लाह रेट कम में देगा बस बाबा 420 क्या अरे नहीं वही देख रहा था क्या है मुझे क्या नाम है दिनेश है भाई मेरा अच्छा दिनेश अब अभी कहाँ से आ रहे थे चौरमा खा के अच्छा रमजान अब स्टार्ट हो रहा अब दिनेश क्या प्लानिंग है रमजान के लिए वो अब मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है रमजान में अच्छा ओके जो अब मेरा दोस्त है जो गाड़ी चलाने वाला है मेरा दोस्त है हाँ तो तिक्की मारने वाले बोलो तीनों हाँ नंबर प्लेट नहीं बताता मैं तिक्की मारने वाले ना वहाँ से भाग रहे देख के तो कहाँ जाने वाले अब खाने के लिए हलीम ट्राई करना है हलीम अभी ट्राई नहीं करे लास्ट टाइम कारवान में एक बार खाया अब ये लोकल्स नहीं खाया ना लोकल में नहीं खाया तो इस बार फुल है क्या फूड एक्सप्लोर करने का रमजान के पीरियड में खाने का उसका एक्साइटेड प्लानिंग अच्छा अभी हलीम की बात करें तो यहाँ पे एक जगह मेरे को अभी दिखा जितने भी लोकल टाइप के हलीम का वो पूरा फिल्माएंगे हेलो भाई सलाम अलैकुम भाई फुरखान भाई आपसे दो सवाल कर सकता हूँ बिल्कुल माशाल्लाह क्या किंग शाही हलीम नाम है ना जियो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हर बार के नहीं ये फर्स्ट टाइम है भाई क्या क्या खास है अपने पास जुम्मे के दिन से अपनी ओपनिंग हो गई थी फ्राइडे से ओपनिंग हुई थी माशाल्लाह और कारोबार है फर्स्ट टाइम आपने नहीं अपना जो परफ्यूम्स वगैरह का फ्रेग्रेंस का होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पूरे जबरदस्त तो अपन साइड में क्या आवाम के लिए माशाल्लाह एक बेहतरीन दानेदार जो गेहूं के दाने की रहती है एक है तो अगर सैंपल देखेंगे तो ये देख लो क्या दिख रहा है 120 रुपए 300 रुपए और 500 रुपए अच्छा कई का बड़ा छोटा क्या तो भी आप बोलो मेरे को ये आपको प्लेट में आ जाएगा आराम से कोई बात थैंक यू ये बिल्कुल दानेदार है आपको गेहूं के साथ पूरा एक काजू असली घी प्योर स्पाइसेस के साथ इंशाल्लाह दानेदार एक बार आप खाएंगे तो बार बार आएंगे अब ये टाइमिंग बोल दो मेरे को ये 5 बजे से रोजाना आपको शाम में जो है अभी फिलहाल के लिए 11 बजे तक है रमजान में इंशाल्लाह 1 बजे तक रहेंगे प्रोग्राम में चला भट्टी फिल्मानिंग हम लोग नीचे वो देखो कोयला कब से चल रहा हूँ चार साढ़े चार एक रात चलता समझो डालते रहते उसके अंदर तो उसके साथ देख भी गर्म हो रहा भाई खैरियत गर्मी नहीं लग रही नीचे की गर्मी लग रही नहीं नीचे क्यों लग रही ना तो भाई भी गर्म देख भी गर्म दोनों भी जबरदस्त है माशाल्लाह ये बना देखो अपना जंबो पैक अच्छा फ्रूट मार्केट सबसे ज्यादा डिमांड में रहता ये जब रमजान का पीरियड स्टार्ट होता कि बोले तो Thank God, I found this roots hair treatment serum and it has done wonders for me. Hair is the most important part of your personality. Celebration, जब आपके बाल अच्छे लग रहे होंगे तो आपकी overall personality खुद ब खुद attractive लगने लगती है Hi everyone, I'm here today to talk about Bego Live. Bego is a free app that allows users to upload their own video content. सैरी कई लोग तो सैरी में भी प्रेफर करते हैं फ्रूट जो है
तो यहाँ पे तरबूज सब शुरू करे। और ये टोलचोगी रोड पे भी है, ये जो दिख रहा ना अभी है, ये 50% झकाझक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता, सामने डबल रोड हो जाता है, यहाँ पे डबल रोड हो जाता है, पूरा जाम पैक रहता है। ये हिस्सा मेदीपट्टनम का हिस्सा, मल्लापल्ली का हिस्सा, कई सारे आपके कौन से एरिया है वो भी कमेंट करो आप लोग। तो अब उसके बाद फ्रूट्स महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, अगर हो सका तो किसी से फिल्मा लेंगे। इस्लाम वालेकुम, खैरियत से? कैसा चल रहा है रमजान का तैयारी, कैसी चल रही है अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह सब जबरदस्त है सर। मोहम्मद भाई किसके एग्जाम चल रहे हैं? हमारे एग्जाम सर रहे, छुट्टी नहीं मार सकते ना रमजान में? सही बोला ना भाई? ये बाद में कोई ये सवाल आपको पूछे। कहाँ तरावी किधर हो रही है अपनी? तरावी देखो इंशाल्लाह रहा तो गोल्डन पैलेस में होने वाली है। गोल्डन पैलेस में लास्ट टाइम वही पढ़े थे? लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम हम लोग क्या बोलते इधर ये नदीम कॉलोनी में पढ़े थे। कुछ एडवाइस अपने दोस्तों को देना है तो? एडवाइस देखो ये रमजान के लिए कि देखो पहले तो दुनिया के जब 100 काम करने आ रहा तो नमाज और कुरान खाली दो चीजें करे तो अपने को इंशाल्लाह जन्नत। पहले वो बाद में सब? बिल्कुल पहले वो बाद में सब। इंशाल्लाह वेरी गुड, वेरी गुड एडवाइस। आपका नाम सर? मोहम्मद अकबर अली। थोड़ा जोर से अली भाई। मोहम्मद अकबर अली। अकबर भाई, चलो अकबर भाई, क्या क्या फ्रूट्स अब डिमांड में रहेंगे रमजान में? तरबूज। तरबूज बिकता? तरबूज क्या रेट से कर आप? 100 को 4 किलो, मतलब 25 रुपए किलो। और बढ़ के लिए तो चांसेस है कम होने का? और खेरे से निजाम भाई जो पूरे साल के ओनर है, हाँ, रिटेल भी है अपने 100 में 4। अभी अकबर भाई बोले 100 में 4 जी, 100 में 4 किलो। कुछ बढ़ने का चांस और भी 5-6 बढ़ता है इंशाल्लाह। आप सामने वाले के ऊपर समझो कैसा वो करता है। आपने डिमांड तीन चीजा बोला, आप जो डिमांड में फुल रहते खजूर है, तरबूज है और अंगूर है। अंगूर, अंगूर कौन सा बोले? वाइट वाला जी, वाइट वाला। क्या रेट से रखेंगे आप? ये 60 रुपए किलो हम लोग रखे। अगर क्वांटिटी वहाँ से मार्केट में बढ़ेंगे तो और भी कम होगा रेट। लेकिन मैं सुनता हूँ रमजान होते ही रेट बढ़ जाते हैं। मार्केट से रहते हैं गन मास्टर जी नहीं मामला, जब से शाहरुख खान कोयला समझे हमला। अलहमदिल्ला बेसिक जितने जगह हो सकते हैं हैदराबाद के, फिल्माएं करे, कई सारे शॉप्स है, लो लेवल लो बजट के भी जो शॉप्स रहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा मैं फिल्माने के लिए। और कई चीज़ें आपको बोल देता हूँ ओवरऑल व्यू। खजूर के ज़्यादा रेट्स और ज़्यादा कवरेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी और स्टॉक आना है, बल्कि कई सारे लोग बताए प्राइसेस अभी सेट होना है उनके हिसाब से, क्योंकि कौन से डिमांड में रहते क्या रहते वो चीज़ें देखना है। मस्जिदों की खास चीज़, अब आप बोलेंगे क्या खाली तिजारत है, बोले तो इबादत भी है शिद्दत में और उसके साथ तिजारत भी है। सर्वाइवल के लिए हर इंसान को करना ज़रूरी है, वो भी कमाना भी ज़रूरी है इबादत के साथ। तो मस्जिदों में हम लोग 2-3 जो जगहें गए थे अंदर से इसलिए नहीं फिल्माए क्योंकि अभी साफ़ सफाई चल रही, वहाँ पे ये पता चला कि उनके जो ऑलरेडी कारपेट्स एक्स्ट्रा रखे हुए पूरे वॉश हो रहे रमज़ान की खुशी में, जो है रमज़ान के लिए जो एक्सेस ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आती, तो वहाँ पे फैंस भी लग रहे, कई जगहों पर कूलर्स भी सेट हो रहे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी भी आप सबसे, अपने आजू बाजू की मस्जिद, ज़्यादा दूर भी नहीं, आजू बाजू के अपने एरिया के लोकेलिटी के, अगर आपके पास सकत है, अगर आपके पास उतना है पैसा लगाए वैसा, तो फैंस के लिए कूलर्स के लिए इस बार कर लो। क्यों? तो जितने भी लोग इबादत कर रहे उनको ठंडी हवा जब पहुंचेंगी तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। और कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इसे वही बोल के नहीं, तिजारत में कारोबार में इसमें सब करने के लिए। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे, रमज़ान का माहौल कैसा है, तर्क कौन से जगहों पे हो रहा, सहरी कैसे हो रहा, मतलब कि एक ओवरऑल जो मंजर रहता रमज़ान का, लोग कहाँ पर जा रहे, कैसा कर रहे, कैसा खुशी मना रहे, छोटे से लेकर बड़ा तक सबका उसके अंदर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे पास जो चीज़ है वो है ये मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है, तो इसके जरिए मैं जितनी हो सकता कई लाख की पब्लिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चार्ज नहीं करूँ मैं, आज जितना हो सका मैं फिल्माया। सो गाइज ये थी वीडियो हैदराबाद रमज़ान की तैयारी, तो बहुत ही देख के अच्छा लगा कि इंडिया में भी रमज़ान की फुल एक सेलिब्रेशन की जाती है, फुल फेस्टिविटी होती है, वो नज़र भी आया कि जैसे रमज़ान का चांद लाता है तो तरावियों का सीन शुरू हो जाता है, बाजार का सिलसिला शुरू हो जाता है और मार्केट में रौनक लग जाती है कि समोसे पकौड़े और जो खाने के स्टॉल्स लग जाते हैं, फिर डेकोरेट किया जाता है मार्केट्स को, बहुत अच्छा लगता है। और इंडिया में भी ऐसा होता है देख के बहुत अच्छा लगा, वैसे भी इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जाते हैं तो वो अपने मर्जी से डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे दिखाते हैं कि तरबूज यहाँ पे नहीं मिलता, या अभी जब मैंने नहीं देखा नहीं अभी तक है,
तो बहुत ही कम एरिया में शायद मिलता हो अभी, क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में सीजन अगर स्टार्ट पहले हो जाता है आई डोंट नो, बट वहाँ तो बहुत आम पड़ा हुआ है, जैसे हर दुकान में पड़ा हुआ है। तो खाने की उन्होंने वैसे चीज़ें कम दिखाई हैं, ज़्यादा वो थोड़ी सी लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे और लोगों से जान रहे थे कि उनका क्या टेक है रमज़ान से रिलेटेड। सो बेसिकली वो एक फील या एक वाइब देना चाह रहे थे इस व्लॉग के थ्रू रमज़ान की, और वही मुझे लगा है। हमने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो प्ले की है, सो मुझे लगा कि थोड़े से जॉली से अच्छा भी लगा कि उन्होंने बच्चा के टोपी वाले मार्केट में गए तो उन्होंने जाय नमाज में सही प्रॉपर एक उसको टच इस्लामी दिया ना, पूरा वाइब दे दिया कि रमजान की, तो बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। हाँ, और ये भी देखे मैं बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की स्ट्रीट को भी कितना अच्छे से सजाया गया है। हालांकि मैं कहूंगी कि लाहौर के अंदर भी जरूरी नहीं है मतलब कि हर स्ट्रीट को इस तरह से डेकोरेट किया जाए, हम लोग हर जगह मतलब जगह होती है जो मार्केट मशहूर होती है वो डेकोरेट हो जाती है और पूरा एक फेस्टिविटी वाला माहौल होता है, की जाएगी तो ईद की स्टॉल हो जाएगा। पहले हम छोटे होते थे तो एक कार्ड्स मिलते थे ईद कार्ड्स, अब तो खत्म हो गया कि वो बहुत मजे होते थे, इवन के इंडियन एक्टर की फोटोज लगी होती थी, एक एक रुपए का मिलता था पूरा, फिर बड़े बड़े कार्ड मिलते थे खुलते थे, उसमें डिफरेंट किस्म के वो चीजें होती नहीं, जितना महंगा होता था उतना ही वो खूबसूरत और प्यारा होता था और अच्छा होता था बड़ा, पहले अभी भी होता लेकिन अब उस तरह से नहीं है, अब बहुत कम हो गया, अब काम सारा डिजिटल पे आ गया, डिजिटलाइज हो गया सारे कार्ड हो गए हैं, सो अब वो चीज नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा माहौल बना होता है रमजान में तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के अंदर भी उसे पैमाने के ऊपर सेलिब्रेशन होती हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज लगी है देखकर, हमें तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो, एंड अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की भी थी वीडियो प्ले करने की कॉमेंट सेक्शन में, तो इसलिए हम लोगों ने प्ले की है। सो आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।